नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का। तो आज हमने टूल्स की तीसरी क्लास रहेगी और आज हमने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मेजरिंग टूल। तो टूल्स के अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं मेजरिंग टूल्स पढ़ेंगे कि मेजरिंग का मतलब ये होगा कि मापक औजार, यानी कि किसी भी चीज़ की गहराई मापनी है आपको, उसका व्यास मापना है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो आप लोग कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो मेजरिंग टूल के अंदर देखें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी अपनी। तो मेजरिंग का मतलब क्या होगा? मापक। और मेजरिंग टूल्स का मतलब हो गया मापक आपका औजार, यानी कि मापक औजार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये कैलिपर्स है। ये अगर देखेंगे तो ये आपका आउटसाइडर इनसाइडर रहेगा, ये आउटसाइडर रहेगा, और ये जो रहेगा ये अपना रहेगा ओडलैग या जेनी कैलिपर। इसके बारे में भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो कैलिपर की अगर हमने बात करें तो इसके अंदर हमने तीन पढ़ने वाले हैं। एक तो हमने पढ़ेंगे इनसाइड कैलिपर, और दूसरा जो पढ़ेंगे अपने आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ेंगे आउटसाइड कैलिपर या आउटसाइडर कैलिपर, आउटसाइडर लिख देते हैं इसको, इनसाइडर आउटसाइडर। और तीसरा हमने पढ़ेंगे ओडलैग, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक कैलिपर और मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये है वर्नियर कैलिपर। ये ज़्यादातर फिटर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो एक हमने पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। इन चारों का अगर अपने यूज़ देखेंगे तो इन चारों में से इसको आप लोग बाहर निकालते हैं, बाकी तीन का यूज़ जो देखेंगे वो लगभग क्या सेम है, बस थोड़ा सा एक्यूरेसी में डिफरेंस आता है। उसके बाद आप लोग देखें उसके पास ये जो है ये है रेडियस गेज, या इसको हमने फिलर गेज भी बोलेंगे। तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी किसी ना किसी चीज़ का सरफेस होगा, दो अलग अलग सरफेस होगी, उसके अंदर अपने गहराई या उन दोनों के बीच के स्पेस को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये होगा अपना फिलर गेज, ठीक है। इसके अलावा और देखें, और ये है अपने पास, ये अपने पास मेजरिंग टेप है जो नॉर्मली आप लोग देखो, ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को मिलती है। या आपने देखा होगा जो टेलर यूज़ करता है वो भी एक मेजरिंग टेलर टेप है। इसके अलावा आप लोगों ने उसके पास भी देखा होगा जो मिस्त्री जो होता है चिनाई का काम करता है उसके पास भी ऐसे क्या होती है, मेजरिंग टेप होती है। तो ये अपने बात करेंगे होगा मेजरिंग टेप। इसके बाद देखें, इसके पास अगर देखें तो ये अपने पास है स्टील रूल, ठीक है। ये बहुत बार आप लोगों ने यूज़ भी किया है, आप लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ बात यह है कि ये स्टील का बना है, आप लोग जो यूज़ करते हो वो प्लास्टिक का होता है। तो ये अपने बात करेंगे स्टील रूल की, ठीक है। उसके बाद देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है माइक्रोमीटर। इसके बारे में अपने डिटेल पढ़ेंगे कि माइक्रोमीटर जो होगा वो क्या होता है। तो एक अपने पास होगा माइक्रोमीटर, और दूसरा जो अपने पास रहेगा एक रहेगा वायर गेज, यानी कि SWG गेज, यानी कि वायर गेज। तो ये इतने अपने क्या करेंगे, मेजरिंग जो टूल है, जितने भी मेजरिंग टूल मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं इनका अलग अलग जगह क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ का व्यास मेजरमेंट करना है, किसी चीज़ की गहराई मेजरमेंट करनी है, इनसाइड आउटसाइड, ये सारा का सारा आप लोग क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। अब बारी बारी से अपने इनके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये जो है ये वायर गेज है, आप लोग देख सकते हो, और इसके अंदर अलग अलग खांचे, इसके बारे में अपने डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कैलिपर्स के बारे में, इनसाइडर आउटसाइडर ओडलैग जेनी कैलिपर, इनके बारे में। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलिपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इनसाइडर, दूसरा रहेगा अपना आउटसाइड, और एक अपने बात करेंगे जो रहेगा जेनी कैलिपर या ओडलैग कैलिपर, या इसका एक और नाम और है जेनी कैलिपर, ठीक है, ओडलैग कैलिपर, ठीक है, या इसका एक नाम और हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इसको, यानी कि HERMAPHRODIT।
तो ये आप लोग यहाँ से इनके अलग अलग नाम याद रखेंगे। अब बारी बारी से इसके बारे में आपको दिखाता हूँ कि इनसाइडर कौन सा होगा, आउटसाइडर कौन सा होगा। ये जो आप लोग कैलिपर देख रहे हो ये है इनसाइडर कैलिपर, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से, ये इसकी लैग्स होगी, ये इसका एडजस्टेबल स्क्रू होगा जिसको आप लोग इसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ करोगे। अब इसकी सहायता से आप लोग मेजरमेंट देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या है, कोई होल है, इसका आपको क्या करना है, ये व्यास चेक करना है, ये कितने एमएम का है या कितने सेंटीमीटर का है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इसकी सहायता से काम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, इसको आपने क्या करेंगे, ये जो इनके जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये ऐसे अंदर नहीं करना इसको, आप लोग केवल ये जो आगे वाले जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों को इस पार्ट पर टच कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप लोग इसके ये जो नट जो स्क्रूज होगा इसको टाइट करेंगे जहाँ तक ये रुकेगा, इस तरीके से। अब आप लोग इस जो मान जो आएगा, ये भी जो भी मान अभी आएगा, इस मान को आप लोग काम क्या करेंगे, जो स्टील रूल जो होगा इस पर आप लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और ये जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी माप आएगा वो आप लोग इस माप पर आप लोग यहाँ से जो है मेज़र कर सकते हो, इस तरीके से। तो इसको अगर आप लोग मेज़र करके देखेंगे इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये 2.5 यानी कि 2.5 आएगा। और इस टूल रूल पर अगर आप लोग देखें तो ये जो ऊपर वाली जो मेज़रमेंट जो होगी ये जो है वो सेमी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ इन साइडर का आप लोग काम क्या करेंगे, किसी भी जो वर्ताकार होगी या किसी भी गोलाकार या बेलनाकार जो होगी इसका आंतरिक व्यास, यानी कि किसी भी पाइप का आंतरिक व्यास का मेजरमेंट करने के लिए। तो पाइप का आंतरिक व्यास कोई भी सीट भी हो सकती है, पाइप हो गया, सीट हो गया, कोई जॉब हो गई, ठीक है, का आंतरिक व्यास या इंटरनल डायमीटर, आंतरिक व्यास का मापन करने में। अब देखो अगर आपके पास व्यास है तो आप लोग उसकी रेडियस में मेजर कर सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक त्रिज्या, तो आप लोग व्यास का आधा करोगे तो त्रिज्या भी आपको क्या होगी, मिल जाएगी। तो आंतरिक व्यास का क्या करेंगे, मापन करेंगे। अब आप लोग देखेंगे आउटसाइडर जो होगा अपने पास, जिसका आउटसाइडर जो होगा, ठीक है, एक इनसाइडर होगा, एक अपने पास कौन सा होगा, आउटसाइडर होगा, ठीक है। आउटसाइडर देखें तो ये अपने पास है, इसके द्वारा आप लोग किसी भी जो मेटल है उसकी सीट की मोटाई मेजरमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज़ की मोटाई जो है मेजरमेंट कर सकते हो। काम वही करना है अपने को, इसको आप लोग काम क्या करेंगे, उतना ही खोलेंगे जितने इसके जबड़ों के अंदर, इसकी लेग के अंदर ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, इस तरीके से। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, इस तरीके से। अब आप लोग इसको बाहर निकाल लें, इस तरीके से। ये थोड़ा सा इसका ऊपर वाला देखेंगे तो ये ऊपर वाला यहाँ एक लाइनिंग सी बनी है। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखें इस तरीके से, तो इसको जो भी ये पार्ट का जो आएगा साइज, इसको आप लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब आप लोग इसको काम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस स्टील रूल पर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, और इसका क्या होगा, व्यास होगा, उसको मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो रहेगा आउटसाइडर कैलिपर रहेगा, यानी कि इसकी सहायता से आप लोग काम क्या करोगे, ये सारा पाइप सारा चीज़ यहाँ आ जाएगा, यानी कि पाइप, सीट, जॉब जो भी होगा उसका बाहरी व्यास का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बाहरी व्यास का मेजरमेंट करना है तो आउटसाइडर लेंगे, और अगर आपको इनसाइडर का पूछा जाए तो आंतरिक व्यास का क्या करेंगे, मेजरमेंट। अब बात आती है कि ऑड लेग या जेनी कैलिपर का यूज़ क्या होगा। देखो इसकी अंदर देखेंगे तो ये जो टांग होगी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, और ये यहाँ अगर आप लोग देखें जिस तरीके से एक पेंसिल के समान, जैसे आपने प्रकार के अंदर देखा होगा उस तरीके से एक नोब बनाई गई है, इसका यूज़ देखो कैसे करेंगे, ठीक है। इसका यूज़ आप लोग काम क्या करेंगे, किसी भी जो सीट जो होगी, किसी भी सीट के ऊपर आप लोग काम क्या करेंगे, इसको लाइनिंग खींचनी है इसके अंदर, ठीक है, लाइनिंग खींचना चाहते हो तब इसका यूज़ करेंगे अपने। मान लेते हैं कि अपने पास कोई सीट होगी और ये जो पार्ट होगा इसको इस तरीके से टच कराएंगे अपने, इस तरीके से। अब आप लोग इसको इस तरीके से अगर चलाएंगे तो ये जो पहला पार्ट होगा ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक लाइनिंग क्या करेगा, बनाने का काम करेगा। तो इसकी सहायता से अगर आपसे पूछा जाए कि काम क्या किया जाता है, तो इसकी सहायता से सीट जो होगी, सीट पर काम क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचने में, तो यहाँ से आपको ये बात याद रखना है कि एक इनसाइडर होगा, एक अपने पास आउटसाइडर होगा, और एक जेनी कैलिपर होगा। इसके द्वारा आप लोग सीधा मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसकी जो माप होगी वो आपको स्टील रूल या किसी और दूसरी मेजरिंग डिवाइस जिसके ऊपर आपका जो मेजरमेंट लिखा होगा उस पर आप लोग काम क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। इनसाइडर है तो आंतरिक व्यास करेगा, आउटसाइडर है तो ये करेगा, और ऑड लेग या हर्मोफ्रोडाइट जो होगा इसके द्वारा आप लोग काम क्या करेंगे, किसी भी मेटलिक सीट जो होगी उस पर आप लोग क्या करेंगे, समांतर लाइनें क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। उसके बाद अगला देखें, अगला जो हमने आया वो है वर्नियर कैलिपर।
ये अपने पास क्या वर्नियर कैलिपर है इस तरीके से, और यहाँ से हमने तीन चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों का। एक तो हमने काम क्या कर सकते हैं, आंतरिक व्यास का मेजरमेंट कर सकते हैं, वह भी बात करेंगे कैसे कर सकते हैं। दूसरा अपने बात कर सकते हैं बाहरी जो व्यास होगा इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। एक इसके सहायता से अपने किसी भी जॉब की गहराई का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में देखें, ये जो इसकी जो होगी ये फिक्सेबल जा होगी और ये मूवेबल है, जो इसको अपने काम के अगर से मूव हो सकती है, यानी कि मूवेबल पार्ट होगा। ये जो स्केल आपको दिखाई दे रही है इसको मेन स्केल बोलेंगे, और ये जो स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। यानी ये मेन स्केल होगी, ये वर्नियर स्केल होगी, ये इसके लोकनट होंगे, और ये इसकी जो मैंने बताया ये डेप्थ बार होगी जिसकी सहायता से गहराई मेजरमेंट करेंगे। अब आप लोग देखें इसके अंदर, अगर आप लोग काम क्या करोगे इसकी सहायता, अगर इस पार्ट का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग काम क्या करोगे, आपको जो चीज़ मेजरमेंट होगी कि जैसे ही अपने पास कोई सीट है और इसको आपने इस तरीके से कर लिया, तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये बाहरी ये जो है इसके जो दोनों जो लेग्स है ये इसकी बाहर वाली पार्ट के ऊपर, यानी कि ये जो सीट होगी इसके बाहर वाले पार्ट के ऊपर क्या टच है, इसका मतलब इस वाले पार्ट से आप लोग काम क्या करेंगे, बाहरी व्यास होगा उसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। लेकिन ऊपर वाला अगर पार्ट देखें, ऊपर वाला अगर पार्ट देखें तो ये देखो, इसको अगर इस तरीके से लेकर के चलेंगे, यानी कि इसकी ये जो शेप होगी, इसकी ये जो शेप होगी इसके जैसी है, यानी कि ये जो आपका था या इनसाइडर कैलिपर था, इसका मतलब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग काम क्या करोगे, किसी भी सीट का या किसी भी मेटलिक जॉब का आप लोग काम क्या करोगे, आंतरिक व्यास का क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन ये अगर अपने बात करें, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसकी सहायता से आप लोग काम क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप लोग काम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की डेप्थ मेजरमेंट करने का काम करेंगे। मान लेते हैं अपने पास ये एक है चौका डब्बा, अपने पास इसकी गहराई मेजरमेंट करनी है, तो जितना ये जाएगा इसकी ये जो स्केल होगी इसका ये जो मेजरमेंट होगा, जितना ये जा रहा है इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर रुक गया, इस तरीके से मान लेते हैं कि इसकी ये गहराई इतनी है, ठीक है। अब ये जहाँ ये रुका है इसके बाद आप लोग इस नोक नट को क्या करेंगे, यहाँ इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे इसके द्वारा आप लोग काम क्या करेंगे, ये जो स्केल होगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से इसकी जो भी रीडिंग आएगी वो आप लोग नोट कर सकते हो। मतलब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नियर जो होगा वो काम क्या करेगा, ये तीन काम करेगा, किसी जॉब की गहराई का मेजरमेंट कर सकता है, आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास, अगर ये पूछा जाए बना किसका होगा, तो ये इसका जो क्रोम स्टील होगा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल अगर आपसे पूछा जाए तो क्रोम स्टील का यूज़ करेंगे। दूसरी बात क्या याद रखो, इसका प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए तो एक तो आप लोग ध्यान रखना कि इसके अंदर जो स्केल होगी, एक तो इसके अंदर ये मेन स्केल है, ये जो दूसरी मैंने आपको बताई थी ये वर्नियर स्केल होगी, यानी कि दो आपके पास अलग अलग स्केल है, तो इसका जो सिद्धांत है अनुरूप स्केल, यानी कि दो अनुरूप स्केल के सिद्धांत पर ये क्या करेगा, काम करेगा। तो वर्नियर कैलिपर्स है, इसके बारे में आपको याद रखनी है, बना किसका होगा, काम क्या करेगा और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा इसके द्वारा मेजरमेंट जो भी होगा, आप लोग अगर जॉब बनाते टाइम इसका देखेंगे तो वहां से आप लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखें, इसके बाद अगला जो अपने पास मेजरिंग टूल है वो है स्टील रूल। स्टील रूल अगर आपने देखा होगा बचपन के अंदर, ये आप लोग देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस तरीके से अलग अलग आप लोग देखेंगे 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर अलग अलग साइज़ के अंदर होगा। मतलब इसकी अगर आप लोग पूछा जाए कि इसका निर्धारण किस तरीके से करेंगे तो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि इसका साइज़ का जो निर्धारण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, लंबाई के अनुसार, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना कि इसका यूज़ क्या, यूज़ इसके अनलिमिटेड है, आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हो, स्केल बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, जॉब की मेजरमेंट करोगे, तो इसके यूज़ आप लोग बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोगों को सबको पता है इसके यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं। दूसरी बात क्या याद रखोगे, इस स्टील रूल की अगर अपने बात करें, इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो एक तरफ अगर आप लोग देखें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से आगे भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है, अच्छा इस तरीके से, तो ये आपको यहाँ से इस तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ ये टोटल 12 इंच का है और 30 सेंटीमीटर लंबी इसकी लंबाई है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा है। और ऊपर वाला पार्ट अगर आप लोग देखें इस तरीके से, इस तरीके से मैं यहाँ रफली थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को,
ठीक है। ऊपर वाले पार्ट के अंदर आप लोग देखें पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी जो मेजरमेंट दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और नीचे वाला अगर आप लोग देखें तो ये टोटल 12 दे रखा है, यानी कि इसके वो एक तरफ तो देखेंगे तो सेंटीमीटर के अंदर लंबाई होगी और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो ये इंच के अंदर होगी। टोटल ये 12 इंच का है, मतलब 1 फुट का है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फुट जो होगा वो 12 इंच के बराबर होगा, या अगर आप लोग देखें तो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये नॉर्मली क्या होगा, 1 फुट का होगा, यानी कि इसकी साइज का जो निर्धारण करेंगे सेंटीमीटर इंच फुट कैसे भी आपको दिया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि क्या क्या ये जो मेजरमेंट करेगा वो किस में करेगा, तो इसकी सहायता से आप लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हो। देखो ये पूरा अगर लेंथ है आपके पास, ये फुट की है तो फुट में भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको राशियों को इंटरचेंज करना आना जरूरी है। दूसरी बात देखेंगे नीचे, तो अगर आप लोग देखें तो इंच के अंदर लिखा होगा पैमाना, और ऊपर देखें तो सेंटीमीटर और एमएम के अंदर, क्योंकि सेंटीमीटर का जो 10वां भाग होगा वो क्या होगा, एमएम। तो इस स्केल की सहायता से अगर आपसे पूछा जाए इसके ऊपर क्या लिखा होगा, यानी कि इस पर जो पाठ्यांक जो होगा वो किस तरीके से मिलेगा आपको, तो एक तरफ तो आपको सेमी में दिया होगा और एमएम में मिलेगा, और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ मिलेगा, इंच के अंदर। तो ये 3 बातें आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा मेजरिंग जो टेप होगी स्टील रूल के बाद में आप लोग देखें, मेजरिंग जो टेप होगी ये भी इसका एक पार्ट है, जो आपने स्टील रूल का काम किया है, जो स्टील रूल का जो यूज किया है वही इस मेजरिंग टेप का रहेगा इस तरीके से। ये मेरे पास फोल्डेबल है जिसको मैं फोल्ड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आप लोग अलग अलग देखोगे जो चिनाई वाला जो मिस्त्री जो होता है उसके पास अलग देखोगे, इसके अलावा आप लोग जो है टेलर जो उसके पास अलग देखोगे, फोल्डिंग वाला सिस्टम जो होता है वो होता है रोल जिसका बना सकते हो, तो ये अलग अलग टाइप के होंगे। इसका यूज़ भी वही है जो आप लोग स्टील रूल का पढ़ते हो, बस स्टील रूल की जो लंबाई होगी वो थोड़ी सी सीमित होगी, इसकी लंबाई थोड़ी सी क्या है बढ़ाई जा सकती है। मेजरिंग टूल के बाद में देखें, हमने मेजरिंग टूल के बाद में और देखो इसके अंदर मेजरिंग टूल, एक हमने पास है वायर गेज, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पूरा वायर गेज है। इस वायर गेज के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे तो 0 से लेकर के, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के ये पूरा पूरा अगर आप लोग देखें तो ये 36 आपको SWG मिलेंगे, यानी कि इसकी जो रेंज होगी, यानी कि इसकी जो प्राइस होगी, ठीक है, 0 से लेकर 36 SWG तक मिलती है। और ये क्वेश्चन आपको मैंने जो हल करवाया था उस समय मैंने आपको बताया था इस तरीके से अगर आप लोग देखें। अब आप लोग देखेंगे तो ये काम क्या करेगा, ये काम क्या करेगा, ये किसी भी तार जो होगा, किसी भी वायर जो होगा, वायर का काम क्या करेंगे, व्यास का मेजरमेंट करेगा, व्यास का क्या करेगा, मापन करेगा। दूसरी बात ध्यान रखना, व्यास का जो मेजरमेंट करेगा वो करेगा किसमें, एक तो याद रखेंगे व्यास का मेजरमेंट करेगा MM के अंदर, अगर MM नहीं दिया तो SWG में करेगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे जैसे SWG का मान क्या होगा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ध्यान रखना ये जो खांचों की जो मोटाई जो होगी ये क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे आप लोग यहाँ से देखें ये 1 SWG साइज है इसका, और इसका ये जो भाग देखें तो सबसे ज़्यादा, और यहाँ अगर आप लोग देखें ये इस तरीके से अगर आप लोग देखें ये 36 SWG तक आ चुके हैं, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये देखो सबसे छोटा है, ठीक है, 36 पर देखोगे सबसे छोटा है, तो इसकी रेंज ध्यान रखना 0 से 36 होगी। दूसरी बात ध्यान रखना, जो व्यास जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा SWG साइज का, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये साइज का जो मेजरमेंट करेगा वो MM में करेगा, मापेगा क्या, व्यास करेगा, इसकी जो रेंज होगी वो 0 से 36 होगी। और दूसरी बात क्या याद रखोगे, ये इसका जो ये जो पार्ट है, इसकी जो ये बॉडी है नॉर्मली यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये स्टेनलेस स्टील की है, जंगरोधी इस्पात जिसको बोला जाता है। मटेरियल अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली मटेरियल, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे ही आप लोग याद रख सकते हो, स्टेनलेस स्टील जो होगा, ठीक है, इसका ये क्या होगा बना होगा। तो इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, वायर गेज जो होगा ये काम क्या करेगा, किसी भी वायर जो होगा उसका क्या करेगा, व्यास का मेजरमेंट करेगा, केबल का या तारों का। दूसरी बात ध्यान रखना, रेंज अगर पूछा 0 से 36 SWG तक होती है, व्यास का मेजरमेंट करेगा, करेगा क्या MM के अंदर करेगा, व्यास जैसे जैसे SWG साइज बढ़ेगा वैसे वैसे व्यास का होगा वो क्या होगा घटेगा, और मटेरियल इसका अगर ये पूछा जाए किसका होगा ये, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील का। इसकी आकृति अगर पूछा जाए तो ये वर्ताकार आकृति होती है, पूरी राउंड होती है। दूसरी बात एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग इसमें, ठीक है, इसका इंसुलेशन हटाकर इसका मेजरमेंट करेंगे, यानी कि किसी भी केबल का अगर आपको मेजरमेंट करना है व्यास, तो इंसुलेशन क्या करेंगे हटाकर, तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे इतनी बात याद रखेंगे। उसके बाद देखें,
इसके बाद अगर अपने बात करें फिलर गैस की, देखो फिलर गैस का अगर आप लोग देखें इसके अंदर अलग अलग साइज की ये पत्तियां हैं, ठीक है, अलग अलग साइज की। अब आप लोग काम क्या करते हैं कि किसी भी जो जगह है जहां आप लोग कोई दूसरी स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां इसका यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कि अपने पास जैसे ये अपने पास स्केल है और इसके अंदर ये मान लेते हैं कि छोटा सा क्या है, ये होल है, इसकी गैप है, इस गैप का आपको मेजरमेंट करना है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, फिलर गेज की सहायता से इस गैप का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मतलब जहाँ सूक्ष्म सतह जो होगी, जहाँ सूक्ष्म जो दो समरूप या दो अलग अलग जो सतह होगी, यानी कि उनके बीच का गैप है, यानी कि गैप का मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि अंतराल जो होगा, वायु अंतराल भी हो सकते हो, अंतराल का क्या करने में, मापन करने में। और इसकी बॉडी भी ध्यान रखना क्रोम स्टील की बनी होगी, मटेरियल अगर आपसे पूछा जाए तो क्रोम स्टील की बनी होगी, क्रोमियम स्टील भी बोल सकते हो। तो ठीक है, ये याद रखना फिलर गैस के बारे में कि दो सतहें होगी, उन दोनों सतहों के बीच का अगर आपको एयर गैप का मेजरमेंट करना है तो आप लोग किसका यूज़ करेंगे, फिक्रोमीटर का, नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म मापी होगा, माइक्रोमीटर। अब एक चीज़ और, थोड़ा सा मैं यहाँ दो तीन चीज़ें आपको बताना भूल गया, अपने इसी तीनों के साथ साथ पढ़ेंगे कि लिस्ट काउंट अगर पढ़ेंगे कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, स्टील रूल का सबसे कम सूक्ष्म माप कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा ये जो वर्नियर कैलिपर था इसकी जो एक्यूरेसी होगी या सबसे शुद्ध मापन या न्यूनतम मापन कितना कर सकता है, तो इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से यू आकृति के अंदर, ठीक है, इस तरीके से और यहाँ अगर आप लोग देखें इस तरीके से इसकी शेप होगी, ठीक है, ये जो है इसका, इसको बोलेंगे रैचेट, और ये इसका जो होगा, ठीक है, ये इसका होगा, ये जो पार्ट होगा इसका, इसको बोलेंगे अपने बैरल या इसको क्या बोलेंगे, स्लीव, ठीक है। और ये जो इसका, ये जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे अपने फ्रेम, ये इसका क्या होगा, फ्रेम होगा। और ये होगा इसका एनविल, और ये जो पार्ट होगा ये पूरा पूरा ये क्या होगा, स्पिंडल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें ये पूरा का पूरा अगर आप लोग देखें तो ये इस तरीके से है, इसकी शेप अगर आप लोग देखें तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये इसका जो भाग होगा इसको फ्रेम बोलेंगे। और ये नॉर्मली क्या होगा, कास्ट आयरन का होगा, ये बाकी जो होगा ये क्रोम स्टील का बना होगा या निकल का पार्ट होगा। और ये जो भाग है ये आप लोग देखें, ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया गया है ये एनविल होगा इसका, ये पार्ट जो होगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये पूरा स्पिंडल होगा, ये आगे तक स्पिंडल ध्यान रखना। और ये जो पार्ट होगा ये जो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये जो है इसको आप लोग बैरल या स्लीव बोलेंगे। और ये जो पार्ट जो होगा इस पार्ट को आप लोग क्या बोलेंगे, थिंबल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पीछे वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको रैचेट बोलेंगे। अब ये ध्यान रखना कि ये सूक्ष्म मापी होगा, मेजरमेंट होगा। अब आप लोग इसका एक चीज़ और देखें, इसके ये जो फ्रेम जो होगा, इस फ्रेम के ऊपर इसका अल्पतमांक भी लिखा गया है कि सबसे कम मेजरमेंट कितना कर सकता है या एक्यूरेसी कितनी होगी। और इसकी स्केल जो होगी 0 से 25 mm, यानी कि जो माइक्रोमीटर जो होगा नॉर्मली 25, 50, 75, इस रेंज 25 के गुणन में क्या करता है, इसकी रेंज क्या करती है, चलती है। तो अब आप लोग यहाँ से देखें इसके अंदर, सबसे पहले ध्यान रखना कि इसके अंदर मटेरियल जो होगा वो कौन सा यूज़ करेंगे, जो माइक्रोमीटर जो होगा किस मटेरियल का बना होगा। तो पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि माइक्रोमीटर जो होगा इसका मैंने आपको बताया था कि मटेरियल इसकी जो बॉडी जो होगी, बॉडी क्या, इसका जो फ्रेम जो होगा, ठीक है, इसका फ्रेम जो होगा, ये फ्रेम जो होगा, ये जो पहला पार्ट है, ये जो फ्रेम होगा ये मैंने आपको बताया था कास्ट आयरन का बना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाकी का जो ये पार्ट है, ये थिम्बल हो गया, स्लीव, ये अपना बैरल हो गया, ये जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा क्रोम स्टील का बना होगा, ठीक है। बाकी जो पार्ट होगा इसको मैं बॉडी से डिनोट कर देता हूँ, ये किसका बना होगा, ये आपका होगा क्रोम स्टील, ठीक है। अब इसकी सहायता से आप लोग काम क्या कर सकते हो, तारों का व्यास मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है, या किसी भी सीट की, जॉब की, या कोई भी उसकी क्या शुद्धतापूर्वक क्या कर सकते हो, उसकी मोटाई का मेजरमेंट कर सकते हो आप लोग इस तरीके से। अब आप लोग देखेंगे ये काम कैसे करेगा, ये जो है, ये जो थिम्बल जो है, ये जब थिम्बल को मैं जब ऐसे घुमाऊंगा तो एक बार ये जब घूमेगा तो ये पूरा जो है 50 जो है वो दूरी तय करेगा। देखो आप लोग ये 0 से लेकर फिर 5 इस तरीके से दे रखा है, यहाँ 45 आ गया, यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देख लें।
अब आप लोग यहां से देखें, इसका जो होगा यानी कि एक थिम्बल जो होगा, थिम्बल जो होगा वो एक चक्कर के अंदर जो दूरी तय करेगा वो करेगा 50 mm। ठीक है, तो ये थिम्बल जो होगा ये आप लोग देखेंगे तो एक चक्कर के अंदर कितना चलेगा, 50 mm चलेगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि इसका जो अल्पतमांक जो होगा यानी कि माइक्रोमीटर का अगर आपको पूछे अल्पतमांक को अगर पूछा जाए तो ये याद रखना ये 0.01 mm होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm होगा। इसके अलावा इसके ऊपर आप लोग देख भी सकते हो इस तरीके से, इसके ऊपर इसकी एक्यूरेसी इसके ऊपर शायद नहीं लिखा हुआ। और इसके ऊपर आप लोग इसका अल्पतमांक देख सकते हो, ये 0.01 mm लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग स्टील रूल का अल्पतमांक देखें तो सबसे कम जो मान होगा ये पूरा 1 से लेकर 2 तक ये पूरा क्या होगा 10 भागों में डिवाइड होगा। यानी कि इसकी सहायता से आप लोग काम क्या करोगे, यानी कि जो स्केल होगी स्टील रूल होगा इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अल्पतमांक कितना होगा तो इसका अल्पतमांक जब आप लोग देखें तो 0.5 mm होगा। ठीक है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा, 0.5 mm होगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।